इंदौर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक दो पहिया वाहन और धारदार हथियार और मिर्ची पाउडर जब्त किया है। जहां पर आरोपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इंदौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंदौर क्राइम ब्रांच और पलासिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति सर्विस रोड पालीवाल नगर शौचालय के पास खाली मैदान में बैठकर हथियार के साथ पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम व थाना पलासिया से संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ पर अपना नाम नदीम, सचिन, बादशाह, कपिल और संदीप बौरासी बताया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने देशी पिस्टल, धारदार हथियार बरामद किए हैं। सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और सभी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल अब पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। वहीं पूछताछ में आरोपियों से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। विगत कुछ समय से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिस पर से कि थाना पलासिया पुलिस के द्वारा लगातार सतत भ्रमण किया जा रहा था, अपराधी अपराध ना करे उसके पहले पकड़ा जाए, इस हेतु सतत प्रयास किया जा रहा था। इसी तारतम्य में कल रात्रि में भ्रमण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं, जिस पर से दो पार्टी बनाकर घेराबंदी कर पालीवाल ग्राउंड में आरोपी कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी के नाम इस प्रकार थे: नदीम खान, पिता फिरोज खान, 21 साल का है, ये चंदनगर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी सचिन चौधरी, पिता सुभाष चौधरी, ग्राम कलालिया का रहने वाला, ये भी थाना चंदनगर में आता है। तीसरा आरोपी बादशाह खान है, जो कि खजराना क्षेत्र का रहने वाला है, और कपिल कौशल तथा संदीप उर्फ जलवा, ये बड़ी ग्वाल टोली के रहने वाले हैं। इस प्रकार से कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से कट्टा, कारतूस और डकैती डालने की योजना में उपयुक्त उपकरण सभी को बरामद किया गया। पूछताछ पर इनसे 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आरोपी के पूर्व में भी कई अपराध हैं, विभिन्न थानों में, चंदन नगर थाना पलासिया में और तिलक नगर में, विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। क्या ब्रेकग्राउंड है? आरोपी पूर्व से अपराधी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।